हेलो एवरीवन वेलकम टू केन स्टडीज आज है फोर्थ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पाम ऑयल अंडर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम बाय ट्वेंटी ट्वेंटी 2026 यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ट्वेंटी ट्वेंटी तक कच्चे पाम ऑयल का जो उत्पादन लक्ष्य है वो कितना है आपके ऑप्शन हैं फाइव लाख टन इलेवन पॉइंट टू जीरो लैख टन टू पॉइंट फाइव जीरो लैख टन या फिर सिक्सटीन पॉइंट फाइव जीरो लैख टन यहां पर आपको बताना है कि जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है उसका टारगेट कितना रखा गया है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सो ये टारगेट रखा गया है इलेवन पॉइंट टू जीरो लैख टन का आप देख सकते हैं। मल्टी वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबल ऑयल पाम कल्टिवेशन अंडर एमएमईपी वॉज रिसेंटली हेल्ड सो द वर्कशॉप फोकस्ड ऑन एनहांसिंग ऑयल पाम कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पाम ऑयल इन इंडिया एंड इट इन्वॉल्ड वेरियस स्टेक होल्डर्स टू डिस्कसनेबल प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल ऑयल पाम इस मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन में टू बूस्ट ऑयल पाम कल्टिवेशन एंड क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन सो इट फोकसेज ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द अंडमान एंड निगोबार आईलैंड एंड द स्कीम हैज फाइनेंशियल आउटले ऑफ रूपीज इलेवन थाउजेंड 40 crore with 8844 crore from the central government and it aims to increase oil palm cultivation from 3.5 lakh hectares to 10 lakh hectares by 2025 and 26 and crude palm oil production to 11.20 lakh tons next question here. Recently, where was India's first super capacitor manufacturing facility inaugurated? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया आपके ऑप्शन है कन्नूर केरला इंदौर मध्य प्रदेश चेन्नई तमिलनाडु या फिर नासिक महाराष्ट्र और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन So, इनोग्रेट किया गया है कन्नूर केरला में आप देख सकते हैं केरलाई विजय इनग्रेटेड इंडिया सो द प्लांट वॉज डेवलप्ड विद इसरोज कोलेबोरेल इन्वेस्टमेंट ऑफ रूपीज फोर्टी टू करोड़ इट विल बूस्ट केरलाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सपोर्टिंग सेक्टर्स लाइक डिफेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स So the facility aims to produce 2000 supercapacitors daily meeting global standards and CM Pinarayi Vision announced an additional 1000 crore investment to modernize Keltron and other electronics unit with a rupees 395 crore master plan in place so the goal is to make kerala a hub for electronics manufacturing तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला जो सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसका उद्घाटन किया गया है केरला के पुन्नौर में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप जिसको फास्ट के नाम से जाना जाता है यह अभी हाल ही में समाचारों में रहा है आपको बताना है कि इसका संबंध किस देश से है यहां पर आपसे फास्ट जो टेलीस्कोप है उसके बारे में पूछा जा रहा है आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया रशिया चाइना या फिर इंडिया और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सो ये संबंधित है चाइना से आप देख सकते हैं चाइना हैज बिगन द सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंडिंग द फाइव हंड्रेड अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप FAST located in Jianghu province in the world's largest and most sensitive radio telescope with a diameter of 500 meter and receiving area equal to 30 football fields so its goals include detecting neutral hydrogen discovering pulsars participating in gravitational wave detection and searching for extraterrestrial intelligence फास्ट ऑल्सो ज्वाइंस इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर हाई रेजोल्यूशन सेले स्टडीज एंड द डाटा सिस्टम इज डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद ए आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी सो आप ध्यान रखेंगे जो फास्ट रेडियो टेलीस्कोप है इसका संबंध है चाइना से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच कंट्री वन द सेफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप बाई डिफीटिंग बांग्लादेश इन द फाइनल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप जीती है आपके ऑप्शन है नेपाल भूटान इंडिया या फिर श्रीलंका और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सो ये जीता है भारत ने और फाइनल्स में हराया है बांग्लादेश को आप देख सकते हैं इंडिया इज डिफेंडिंग चैंपियन वन देयर सिक्स टाइटल बाय डिफीटिंग बांग्लादेश विद टू जीरो गोल इन द फाइनल ऑन थर्टी ऑफ सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी अंडर 17 की बात करें तो उसका होस्ट कंट्री रहा है भूटान और इसमें टोटल सात टीम्स ती, ने पार्टिसिपेट किया है और फाइनल्स का जो वेन्यू रहा है वो रहा है चांगली मिथांग स्टेडियम भूटान में फाइनल्स फाइनल्स की बात करें तो फाइनल्स में भारत विजेता रहा है और ये भारत की सिक्स चैंपियनशिप टाइटल हो गई है इसके साथ ही इसमें रनर अप रहा है बांग्लादेश बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई नीति आयोग एंड वी हब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग और वी हब द्वारा शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच का उद्देश्य क्या है आपके ऑप्शन हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड टू सपोर्ट वोमेन इंटरप्रेन्योर्स विद रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप टू स्टैब्लिश अ टेक्नोलॉजी हब टू इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन इन इंटरप्रेन्योरशिप इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सो इसका संबंध है इसका जो ऑब्जेक्टिव उब्जे है इस इनिशिएटिव का वो है टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विद रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप आप देख सकते हैं ज इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन कोलेबोरेशन विद एट दिलंगाना एंड द तेलंगाना गवर्नमेंट सो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें शामिल है टू प्रमोट एंड सपोर्ट वुमेन इंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस सेक्टर्स सेकेंड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टूल्स एंड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टू एनहांस बिजनेस ग्रोथ एंड थर्ड ऑफर कस्टमाइज सपोर्ट इंक्लूडिंग डिजिटल स्केलिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज मेंटरशिप एंड मार्केट लिंकेजेस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंट द इंटरनेशनल बिग कैट अलायस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है आपके ऑप्शंस हैं भारत चाइना जर्मनी या फिर बांग्लादेश और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सो हाल ही में इसको ज्वाइन किया है इंडिया ने आप देख सकते हैं On 20th September 2024, India formally joined the International Big Cat Alliance by signing and ratification of the framework agreement on the establishment of IBCA. So with this, four countries, India, Nicaragua, Ishwatini and Somalia have now become the members of IBCA. आईबीसीए की बात करें तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको भारत ने फाउंड किया है टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ बिग कैट्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग द प्रोग्राम कमरेशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर इन मैसूरू कर्नाटका सो दिस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एम्ड टू एस्टेब्लिश IBCA टू कलेक्टिवली एड्रेस कॉमन चैलेंजेस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सेवन बिग कैट्स जिनमें शामिल है टाइगर लॉय लेपर्ड स्नो लेपर्ड, लेपर्डमा जैगवार एंड चीता बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एज पर द रिसेंट डाटा विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप टॉप सोलर पावर अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हालिया आंकड़ों के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर शौर्य ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है आपके ऑप्शन है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सो ये स्टेट है गुजरात आप देख सकते हैं PM Modi visited solar panels installed under the PM Mufti Bijli Solar Yojana in Gujarat and the PM Suryaghar Mufti Bijli Yojana encourages rooftop solar adoption by offering financial subsidies and easier installations and households can get up to 300 units of free electricity each month. So Gujarat leads in rooftop solar capacity with 4,195 megawatt followed by Maharashtra.

So, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब